अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूंग का शोला, जो एक महाराष्ट्र डिश है। जिसे हमें बनाने के लिए हमने जिसे साबित इस तरह की साबित मूंग ली है, ये हमने 200 ग्राम लिया है। और ये मूंग की दाल, ये 400 ग्राम। तो टोटल हम 700 ग्राम मूंग की दाल लेंगे। अगर आपके पास साबित मूंग है तो पूरे साबित मूंग का भी आप बना सकते हैं। और 100 ग्राम हमने चने की दाल लिया है था, उसको हमने इस तरह से एक घंटे से भिगो कर रख दिया था। और हमने इस कप से डेढ़ कप हमने चावल लिया है, यानी कि टोटल 150 ग्राम चावल लिया है, इसको भी हमने भिगो कर रख दिया था। और फिर हमें पीसने के लिए मसाला लगेगा। हमने एक बड़ी प्याज ली थी, इसे इस तरह से पतली स्लाइस में काट दिया था। 8-10 हरी मिर्चियाँ, आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और कोथमीर हमने इस तरह से इसके डंडी के साथ ही हमने लिया है इसको, क्योंकि हमें इसे पीसना है। तो कोथमीर और हरी मिर्ची हम एक साथ पीसेंगे। और मसाला हमने 50 ग्राम खोपरा और ये काला मसाला लिया है, जो हमने पाए के सालन में, मांडे के सालन में और हलीम में जो डाला था, वही मसाला हम इसमें लेंगे। 3 बड़ी इलायची, 2 बादिया, इसे फूल भी कहते हैं, बादिये का फूल, और 2-3 नाकेसर, इसे कबाब चीनी भी कहते हैं, और ये धनिया का फूल, ये हमने 1 टेबलस्पून, और 2-3 तेज़पत्ते और दालचीनी, ये हमने 3-4 हमने 2-3 बड़ी इलायची लिया है, और 3-4 तेज़पत्ता लिया है, और गरम मसाला जो हम साथ ही साथ से पीस लेंगे, 2 इलायची, 1/2 टीस्पून शाहजीरा, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, और 2-3 लौंग, और 3-4 काली मिर्ची। ये सब इन सब को हम भून के, जिस तरह हमने पाए के मांडे के सालन में भून कर पिसा था, बस उसी तरह हमें ये मसाला पिसना है। और ये खोपरा भी हम भून लेंगे। खोपरा, प्याज और ये काला मसाला एक साथ पीस लेंगे, और ये हम अलग पीसेंगे। और 1/2 टेबलस्पून हमें अदरक लहसुन का पेस्ट लगेगा, और 1/2 टीस्पून हमें हल्दी पाउडर लगेगा, और हमने 1/2 कप मीठा तेल लिया है, 1/2 कप, आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मूंग को एक तवे या कढ़ाई में भून लेंगे, और उसे इन तीनों को एक साथ डाल के, दाल और चावल और ये मूंग की दाल सब एक साथ कुकर में डाल के इसे गला लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले दाल को भून के उसे गला लेंगे। हमने एक पैन में ये पूरी मूंग डाल दी है, इसे हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे इसे। हमें हल्का सा बस गोल्डन ब्राउन होने देना है, बस इसमें से जब खुशबू आने शुरू हुई तब हम गैस को बुझा देंगे। बस 3-4 मिनट तक इसे भूनना है हमें। बस इस तरह से कभी भी याद रखें आप, अगर कभी भी शोला बना रहे तो उसे भून के ही डालें मूंग को, इससे मूंग जल्दी भी गलती है और अच्छा फोंदा बनता है। अगर हम कच्ची मूंग डालेंगे तो उससे वो गच हो जाएगी, चिकट बनेंगी, भूनने से जल्दी भी गलती है और खरेरी अच्छे सॉफ्ट होती है, एकदम सॉफ्ट गलती है। तब इसमें से खुशबू आना शुरू हो रही है, अब हम गैस को बुझा देंगे।
और एक मिनट ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद हम फिर इसे धोकर एक कुकर में डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले से इसे गर्म करके रखा था। हमें पानी इतना चाहिए कि मूंग से आधा एक इंच ऊपर हो पानी। सबसे पहले हम इसमें चावल फिर उसके बाद ये चने की दाल डाल देंगे इसमें। हमें पानी और लगेगा तो हम इसमें और पानी डालेंगे। हमने इसमें और पानी डाला है, इसमें टोटल हमने 2 से 2.5 लीटर पानी डाला है। और ये फिर मूंग हमने धो दी है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से हिला लेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे, टोटल हम 1.5 टेबलस्पून नमक डालेंगे और थोड़ा सा 2 टेबलस्पून इसमें तेल डालेंगे। कोई भी दाल में अगर हम तेल डाल के गलाए तो जल्दी भी गलती है और अच्छी सॉफ्ट होती है। तो अब हम इसे 4 से 5 सीटी होने तक इसे गलने देंगे। इसमें हम हल्दी नहीं डाल रहे क्योंकि हल्दी हम बघार में डालने वाले हैं। बस उसे इसी तरह से हमें 4 से 5, 6 सीटियाँ होने तक गलने देना। हमने कुकर लगा दिया है और गैस को फुल कर दिया है। अब हम इसे 5 से 6 सीटें होने तक गलने देंगे। और हम जो ये शोला बना रहे हैं टोटल सब दाल वो मिलकर 1 किलो से 100 ग्राम ऊपर टोटल 1.25 किलो हुआ है ये। तो इसमें अगर आप कोई मेहमान या आपके पास कोई गेस्ट आ रहे तो 7 से 8 लोग इसमें आराम से खा ले सकते हैं। ये हम मटन में बना रहे हैं। हमारा मटन गल रहा था इसलिए हमने नहीं बताया। ये अब हमारा मटन गल चुका है। हमने 1 किलो मूंग के हिसाब से हम 3 पाव मटन ले रहे हैं, 750-750 ग्राम गोश्त मटन लिया है हमने। इसे हमने हल्दी नमक और 1 प्याज डाल के अदरक लहसुन और तेल डाल के इसे गला बॉईल कर दिया था, जिस तरह से हमने हलीम का बॉईल किया था उसी तरह से भी हमने बॉईल किया है। तो हम ये हलीम में डाल रहे हैं। अगर बहनों जो बहनें मटन नहीं खाते वो इसे बिना मटन के भी बना सकते हैं। आप मटन के बदले उसमें आलू भी डाल सकते हैं, मसाले सब यही रहेंगे, बस मटन के बदले आप आलू भी डाल सकते हैं। तो आप बिना मटन के भी बना सकते हैं अगर आप मटन नहीं खाते। तो हम इसमें 3 पाव मटन डाल रहे हैं, चाहे तो आप चिकन में भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम बघारेंगे। हमारी मूंग गलने तक इसे अब मसालों को भूनकर पीस लेंगे और फिर बघारेंगे। सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे। जो तेल रखा था वो डाल देंगे।
मैं थोड़ी सी प्याज डालूंगी। और एक तेज पान डाल दें। ये एक जार में ये हरी मिर्ची और कोथमीर पीस लेंगे अलग से। और ये मसाला हमने जो प्याज, काला मसाला, तेज पत्ता, बड़ी इलायची और खोपरा जो था तो उसे हमने भून के पीस लिया है। इससे पहले हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। फिर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हल्दी पाउडर, और धनिया पाउडर लेंगे जो हम बताना भूल गए थे, तो 2 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे। फिर ये मसाला डाल देंगे इसमें हम। तीन से 4 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम मटन डालेंगे। हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब ये मसाला हमारा 2-3 मिनट से पक रहा है, इसमें हम अब मटन डाल लेंगे। मैं अभी एक मटन डाल दिए हैं। मटन डालने के बाद इसे हम 5-6 मिनट और पकने देंगे। फिर उसमें बाद में हम मूंग डाल देंगे। नमक और मूंग, नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अभी मूंग हमारी गल रही है तो इसमें हम फिर मूंग को डाल देंगे। फिर 4 से 5 मिनट पकने देंगे। ये हमारे मूंग चावल और जो चने की दाल थी ये अच्छे से गल गई हैं। इसे हमने टोटल 4 से 5 सीटी होने तक इसे गलने दिया था। बस इसे हम इस तरह ही रफली एक ये चमचे से इसे बस इस तरह ही घोट लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं वो करना है, इसी तरह से इसे थोड़ा साबित रहने देना है। इसे मिक्सी में या हैंड ब्लेंडर नहीं करेंगे हम, बस इसी से इस तरह चमचे से ही इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से गल चुका है, अब इसे हम भगोने में डाल देंगे। हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें हम ये थोड़ा, इसमें हमने पानी मिक्स करके से थोड़ा सा पतला किया था से रफली, और बस इसी तरह हमें इसे साबित ही रहने देना है। इसे पूरा हम इसमें डाल देंगे ऐसे
6-7 मिनट पकने देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे 4-5 मिनट पकने देंगे हम अच्छे से। नमक हमने गल्ले में डाला था, मूंग, और इसमें बघार में भी डाले हमने नमक। तो आप आपके हिसाब से नमक डाल देना, इसमें बराबर है नमक, आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालना। कम, अगर आप कम खाते हैं तो कम डालें। तो याद रखिए बहनों, अगर आपको इसे बघारा बनाना है तो आप सेम यही मसाला ले, बस आपको मटन के बदले आलू लेना है। और हलीम भी आप इस तरह बना सकते हैं, बिना मटन के, इसमें आलू डाल के, जैसा सेम तरीका जैसा है इसका हलीम का, सिर्फ मटन के बदले आप आलू, फूलगोभी और जो भी सब्जी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं आप इसमें। 4-5 मिनट हम इसे 3-4 मिनट पकने देंगे। इसके बाद फिर गैस बुझा देंगे और फिर इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा हमें इसे बस थोड़ा सा पकने देना, इसे सुकन देना है। अब ये हमारा 4-5 मिनट से पक रहा है। अब ये अच्छे से हमारा पक चुका है। अब इसे हम गैस बुझा के इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए बहनों, हमारा ये शोला तैयार है, जिसे हम प्याज के तेल से, थोड़ा सा इसमें प्याज का तेल डालेंगे। प्याज और कोथमीर से गार्निशिंग करेंगे इसकी। इस तरह हम इसे कोथमीर डाल देंगे। तो लीजिए बहनों, हमारा शोला तैयार है। तो आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें और कैसा बना था मुझे ज़रूर बोलें।